दोस्तों आए दिन आप अखबारों और न्यूज चैनलों पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी खबरें तो देखते ही होंगे। इन सब के बीच आपके मन में जरूर आता होगा कि लॉरेंस क्यों मारना चाहता है बॉलीवुड के इस मशहूर एक्टर को, और आखिर ये लड़का इतने कम उम्र में पूरे देश का सबसे बड़ा डॉन कैसे बन गया, और क्या इस गैंगस्टर की कहानी में भी है कोई ऐसा किरदार जिसने लॉरेंस बिश्नोई को बना दिया अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह। इन्हीं सब सवालों के जवाब हम आपके लिए लेके आए हैं अपने इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि एक हीरो की गर्लफ्रेंड को कोई मार देता है और हीरो उसे मारकर जेल चला जाता है, लेकिन ये फिल्मी कहानी लॉरेंस की जिंदगी का हिस्सा है। दरअसल लॉरेंस की लव स्टोरी उसके स्कूल से ही शुरू हो गई थी। उन दोनों ने साथ में ही 12वीं कक्षा पास करी और दोनों ने ग्रेजुएशन करने के लिए एक ही कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। ये कॉलेज था चंडीगढ़ का DAV कॉलेज। लॉरेंस बहुत ही हाई फाई लाइफ स्टाइल जीता था और उसे जिंदगी में वो सब कुछ मिला था जो वो चाहता था। लॉरेंस ने इस कॉलेज में छात्र संघ चुनाव में हिस्सा लिया, लेकिन वो हार गया। अब बचपन से जिसकी हर जिद पूरी हुई थी वो अचानक हार गया, और उससे वो हार बर्दाश्त नहीं हुई और लॉरेंस ने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए एक पिस्तौल खरीद ली और कॉलेज लेके आने लगा। लॉरेंस को बनाया हुआ वो छात्र संघ आज भी पंजाब के कई कॉलेजों में चुनाव लड़ता है। वही जो लोग वो चुनाव जीते थे वो भी कम नहीं थे। यही कारण था कि दोनों गुटों में अक्सर लड़ाइयां हुआ करती थी, लेकिन एक बार ये मामला इतना बढ़ गया कि लॉरेंस के विरोधियों ने लॉरेंस को सबक सिखाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड को सड़क पर जिंदा जला दिया। उन लोगों ने इस पूरे मामले को एक एक्सीडेंट का रूप दे दिया, लेकिन लॉरेंस को इसकी खबर लग गई और उसी दिन से लॉरेंस छात्र नेता से अपराध की दुनिया का एक नया चेहरा बन गया। 1993 में जन्मे लॉरेंस की सलमान से दुश्मनी की वजह भी बड़ी खास है। दरअसल साल 1998 में सलमान खान अपनी फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग करने के लिए राजस्थान के जोधपुर जिले गए थे। वहां उन पर आरोप लगा कि उन्होंने कुछ साथी कलाकारों के साथ मिलकर काले हिरण का शिकार किया था। ये हिरण लुप्त होने की कगार पर है और इसलिए इनको मारना गैर कानूनी है। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी बात ये है कि राजस्थान में रहने वाले बिश्नोई समाज के लोग जानवरों की पूजा करते हैं और उनके ये हिरन किसी देवता से कम नहीं है। इसी के चलते कुछ समय बाद बिश्नोई समाज के कुछ लोगों ने सलमान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल करी। लॉरेंस इसी समाज का हिस्सा है। उस समय सलमान खान को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई। 2006 में ट्रायल कोर्ट ने सलमान को दोषी ठहराया और 25,000 के जुर्माने के साथ उन्हें 5 साल की सजा सुना दी, लेकिन सलमान खान को सिर्फ एक हफ्ता ही जेल में बिताना पड़ा और राजस्थान हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी। 2016 में सलमान खान को राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान को ये कहकर बरी कर दिया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मरे हुए हिरन को सलमान खान के लाइसेंस बंदूक से ही गोली मारी गई थी। इसके बाद राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठाई और अब ये केस के उसी फैसले पर पहुंच गया जहां सलमान को 5 साल की सजा और इस बार 10,000 रुपए का जुर्माना लगा और बाकी के को एक्टर्स को बरी कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर सलमान को एक ही दिन में जमानत मिल गई, लेकिन ये चूहे बिल्ली का खेल लॉरेंस बिश्नोई को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने ऐसा ऐलान कर दिया जिससे पूरे देश में हलचल मच गई। लॉरेंस ने ये ऐलान कर दिया कि वो सलमान खान को जान से मार देगा। लॉरेंस बहुत समय से जेल में बंद है, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस जेल से ही फोन के जरिए अपना गैंग चला रहा है। शुरुआत में लोगों को लगा कि सलमान को मारने की लॉरेंस की धमकी सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था, लेकिन 2018 में बिश्नोई का एक आदमी संपत नेहरा सलमान के घर की रेकी करता हुआ पकड़ा गया। दरअसल वो देख रहा था कि वहाँ से पिस्तौल से ये काम हो पाएगा या नहीं, और इस घटना को अंजाम देने के लिए लॉरेंस ने संपत को एक राइफल भी मुहैया कराई थी। यहाँ तक कि 2020 में तो पुलिस ने एक शूटर को अरेस्ट भी किया जिसने बयान दिया कि उसे लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मारने के लिए भेजा था क्योंकि वो सलमान खान को उस हिरन को मारने की सजा देना चाहता है। इसके कुछ समय बाद सलमान और उनके पिता सलीम खान को उनके घर के बाहर धमकी भरा एक खत मिला। पुलिस ने इसकी जांच करी लेकिन कोई खास सबूत हाथ नहीं लगे। इसके बाद अभी हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई ने ये बयान दिया कि उसके जीवन का मकसद है सलमान खान को मारना, और इसी के चलते गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई पर एक और केस दर्ज कर लिया गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और खबरों के लिए हमारे चैनल पॉइंट फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।